ये रहा टाटा नगर रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं भाई साहब कितना मस्त लग रहा है ना गांव, और घर भी कितना सुंदर लग रहा है ना। जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था उड़ीसा कब आ रहा है, उड़ीसा कब आ रहा है, तो लीजिए अभी एंटर करने वाला हूँ उड़ीसा में। यहाँ कन से जा रहा हूँ उड़ीसा के लिए, तो देख सकते हैं अभी जस्ट उधर जाएंगे, उड़ीसा में चले जाएंगे। तो अभी मैं रुका हूँ, ये है बस स्टैंड, तो अभी मैं बस स्टैंड में रुका हूँ, देख सकते हैं। और ये रहा अपना सारथी यहाँ पे, और ये रहा अपना बेड। तो हर हर महादेव, जय सियाराम आप सभी को। कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी को सूरज बीएल ब्लॉग्स चैनल में, इस यात्रा में नए नए जगहों पे मेरे साथ। तो आज है 7 दिसंबर, और मैं यहीं पे कल पहुँचा था, और ये जमशेदपुर से थोड़ा सा पीछे है, तो ये एक क्लब बोला जाता है इसको। तो ये रूम में मिला था दो भाई थे, मतलब यहाँ पे मैं अपना सारथी को लेके आया था, तो फिर ये मंदिर दिखे, सोचे यहाँ पे मतलब रहना बनता है, तो फिर दो भाई यहाँ पे थे तो बात किए, तो वो बोले ठीक है रह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोले नहीं आप यहीं पे आ जाओ, यहीं पे मतलब इसी में रह जाओ। तो बोले ठीक है भैया, बहुत ही अच्छा लगा मतलब ये सुन करके। तो यहीं में अपना सारथी घुसा दिए थे, मस्त रुके थे यहीं पे। तो चलते हैं यहाँ से, अपना सारथी को निकाल लिया, और सुबह का 6 बजने वाला है, ठीक है निकलते हैं यहाँ से। तो अभी 7 बज गया है, और मैं अभी हूँ सुवर्णरेखा नदी जो है उनके ब्रिज के ऊपर में हूँ, देख सकते हैं। अपना सारथी लेकर के आ गया हूँ सुबह सुबह 7 बजे, और बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है यहाँ से। आगे से लेना हमको बायां जाकर के फिर निकलना है। और ये कुछ सीन है इस ब्रिज का, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, चलते हैं। ये है जुगसलाई सर्कल, यहाँ पे पहुंचा हूँ, और मुझे यहाँ से फिर लेफ्ट लेना पड़ेगा। ओहो, आप उड़ीसा और झारखंड का बॉर्डर पास में ही है, तकरीबन 30-35 किलोमीटर है यहाँ से, जल्दी कवर कर लेंगे। ये रहा टाटा नगर रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है टाटा नगर जंक्शन रेलवे परिसर में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी वहीं पर खड़ा हूँ, यहाँ से सीधा लेकर के निकलना है अभी मुझे, ठीक है चलते हैं। अभी 10:17 हो रहा है, और यहाँ से उड़ीसा का बॉर्डर है 5 किलोमीटर, उड़ीसा और झारखंड का जो है 5 किलोमीटर बचा है। उससे पहले मुझे मैसेज आता है फोन में जो वेलकम टू उड़ीसा, जैसे मैसेज आया मोबाइल में जो वेलकम टू उड़ीसा, तब मैंने मैप में सर्च किया जो कितना दूर है, देखे तो 5 किलोमीटर पहले से ही मैसेज आ गया। तो चलते हैं, और उससे पहले चाची मुझे मतलब कल कुछ फल वगैरह सब दी थी, तो वो खा लेता हूँ आज, आज खाऊंगा, संतरा है और केला भी है, तो सर्दी है बट फिर भी खाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, क्योंकि कैप्सूल है मेरे पास, वो खा लूंगा। अगर ज़्यादा तबीयत खराब होगा तो कैप्सूल है मेरे पास में, वो खा लूंगा, लेकिन बनता है, इतने प्यार से दियो तो खाना तो बनता है कि नहीं। तो खाते हैं, उसके बाद में बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके फिर उड़ीसा में पहुँचते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से गुजर रहे थे, और बॉर्डर अभी मात्र 3 किलोमीटर बचा है, तो उससे पहले दिखाए कि यहाँ पे कल चापाकल दिखाए, तो सोचे धूप भी मस्त है यहाँ पे, और नहा भी लेंगे तो गजब हो जाएगा, रात में नहाने का टेंशन ही नहीं रहेगा, तो मस्त यहाँ पे नहाते हैं। और ये रहा अपना सारथी, यहाँ पे लगा दी सारथी को, कपड़ा सब निकाल लेते हैं, मस्त नहाएंगे, नहा करके फिर निकलेंगे यहाँ से, मजा आ जाएगा। गर्मी भी लग रहा था तो सोचे नहा ही लेता हूँ, आगे मिलेगा ऐसा जगह कि नहीं पता नहीं, इससे अच्छा है जो मस्त जगह यहाँ पे पूरा फाँका है, मजा आ जाएगा नहा करके, ठीक है चलते हैं, नहाते हैं, नहा करके फिर मिलते हैं आप सभी से। और तो अभी 11:41 हो रहा है, और मैं नहा धोकर के बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ पूरा, और जो कपड़ा सब धोना था वो भी साफ कर लिया हूँ, और अभी निकलता हूँ यहाँ से। भाई साहब कितना मस्त लग रहा है ना गांव, और घर भी कितना सुंदर लग रहा है ना, मस्त सजावटी हुई है घर की, पेंटिंग मस्त, मज़ा आ गया देख के भाई साहब, मज़ा आ गया। ओहो कितना सुंदर लग रहा है, देखिए तो इसके आगे बंगला भी फेल है, बंगलो। तो अभी 12:08 हो रहा है, और पता है आप सभी को मैं कहाँ आ पहुँचा हूँ, तो जी हाँ, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था जो उड़ीसा कब आ रहा है, उड़ीसा कब आ रहा है, तो लीजिए अभी एंटर करने वाला हूँ उड़ीसा में। यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड सीमा अंत, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है वेलकम टू उड़ीसा। भाई साहब एक ट्रक आ रहा है, इसको पार करते फिर बोलेंगे, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ जाएगा ट्रक का ही। तो यहाँ पे भी बहुत सारा
तो यहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड है और लिखा हुआ है वेलकम टू ओडिशा, देख सकते हैं। अभी मैं तीसरे राज्य में जाने वाला हूँ, बिहार राज्य क्रॉस करके झारखंड में आया। पहला बॉर्डर क्रॉस किए थे हम बिहार से झारखंड का, झारखंड से फिर वेस्ट बंगाल में गए, वेस्ट बंगाल से फिर झारखंड में गए, फिर झारखंड से अभी मैं जा रहा हूँ, झारखंड से जा रहा हूँ उड़ीसा के लिए। तो देख सकते हैं अभी जस्ट उधर जाएंगे, उड़ीसा में चले जाएंगे। हाँ हाँ, नहीं अभी नहीं जाएंगे, अपने सारथी को लेकर के जाएंगे, उनको छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वही तो लेके आए हैं यहाँ तक। चलते हैं। घूमने का तो सोचे थे बहुत पहले से, बहुत मन था घूमने का बहुत, लेकिन कैसे घूमा जाए ये नहीं पता था, और घूमेंगे तो ये लेकर के घूमेंगे, अपने सारथी को लेकर के घूमेंगे ये भी नहीं पता था। तो कब जिंदगी कब क्या मोड़ ले लेती है ना, किसी को नहीं पता, वही जानते हैं जो कि मैं यहाँ पे लिखे रखा हूँ। बाबा जानते, भाई बैग तो उठेगा ही नहीं, उठ जा भाई। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है बाबा जानते हैं, ओनली बाबा ही जानते हैं कि कब क्या होगा नहीं होगा, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ उसके बनाए हुए रूटीन पे चलते हैं, है ना। तो चलते हैं अभी उड़ीसा में। तो ये पास कर रहा हूँ मैं, तो फाइनली मैं आ गया हूँ उड़ीसा के पावन धरती पे, देख सकते हैं, और पीछे में बोर्ड तो दिख ही रहा होगा आप सभी को। ठीक है चलते हैं, अभी इधर काम चल रहा है, देख रहे हैं। ठीक है चलते हैं। ओ भाई साहब क्या रोड है ये रोड है या क्या है, मेरा सारथी थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा है। ओहो क्या भाई साहब कैसा रोड है ये, मजा आ गया भाई साहब, उड़ीसा में आके मजा आ गया। तो पहला दिन ही खुश हो गया हम उड़ीसा में। ओ भाई साहब पहला दिन क्या, कुछ घंटा हुआ, ये घंटा हुआ है शायद घुसे हुए उड़ीसा में। ओहो हो मजा आ गया, ये कम से कम अभी 30 के स्पीड में है अपना सारथी, 30 के स्पीड में भाग रहा है। ओहो मस्त रोड है भाई साहब मस्त, जिसको रोड बोला जाता है ना उससे भी एक लेवल ऊपर है। ओहो हो गजब का रोड है, गजब का रोड है, मानना पड़ेगा। ओहो ऑसम झक्कास। तो अभी 2:12 हो रहा है और बॉर्डर से बहुत ही आगे आ गया हूँ। ये मालदा जगह है ना, मालदा जगह है, और यहाँ पे कुछ लोग मिले हैं, देख सकते हैं, मतलब पूछते हैं इनसे जो कैसा लगा साइकिल देख करके, बताइए। हाय आई एम सुब्रत, बहुत अच्छा लगा इनको देख के, है ना, बहुत दूर से आ रहे हैं और पूरी जा रहे हैं ना, तो इनको सब बेस्ट ऑफ लक पूरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अच्छा लगता है आप लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ। अभी 4 बज गया है और मैं अभी रैरनपुर में पहुंच गया हूं। यहां पे दिखा गुलगप्पा का ये, तो सोचे खा लेता हूं, और अपना सारथी वहां पे लगा है। तो आज जसीपुर है आगे ना, जसीपुर पहुंचने का बात है, तो यहां से अभी 37 किलोमीटर यानी कि 37 किलोमीटर बाकी है। तो खाता हूं गुलगप्पा यहां पे, मीठा वाला लगा दिया तो मीठा वाला मैं बाद में खाऊंगा, पहले खाऊंगा नमकीन वाला। लगाइए भैया मस्त, खाता हूं फिर निकलता हूं यहां से। इधर गुलगप्पा ये इधर सखुआ बोलता है, उसी के पत्ते में दिया जाता है। देखिए मस्त लगा झाल वाला खा के, अब खाऊंगा ये। तो अभी रात के 8 बजने वाले हैं और मैं रुक गया हूँ जसीपुर से 4 किलोमीटर पीछे हूँ, जसीपुर नहीं पहुँच पाया। तो जसीपुर से पीछे एक मंदिर देखे हुए थे तो वो मंदिर बंद है, तो अभी मैं रुका हूँ। ये है बस स्टैंड, तो अभी मैं बस स्टैंड में रुका हूँ, देख सकते हैं। और ये रहा अपना सारथी यहाँ पे, और ये रहा अपना बेड, इधर अपना मैट बिछा दिया हूँ, मैट के ऊपर में बिस्तर अपना, ये कंबल रहा, और ये अपना तकिया। यहाँ पे एक चीज़ है, जब से मैं उड़ीसा में आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि जहाँ पे भी बस स्टैंड है ना वहाँ पे ये ग्रिल सब लगा हुआ है, देखे ना ग्रिल लगा हुआ है, हर जगह पे ग्रिल लगा हुआ है, जहाँ उड़ीसा में देखा हूँ ये बस स्टैंड, हर जगह पे ग्रिल लगा है। अगर मेरे पास लॉक ताला रहता तो मैं ताला लगा सकता था, लेकिन ताला लेना है मुझे,
तो ये रहा अपना कुछ आज का घर, देख सकते हैं जो भी बोल सकते हैं। तो यही है मेरा स्थान आज का। तो टेंट मन कर रहा था जो टेंट यहाँ पे लगा दें, लेकिन काफ़ी गंदा था नीचे में तो नहीं लगाए। ये अपना ऊपर वाला जो बना हुआ है रैक, इस पर अपना लगा दिया हूँ, मैट बिछा दिया हूँ। और ये अपना कंबल मस्त, ये मैट लगा दिया हूँ, मैट बिछा दिया हूँ इसलिए जो गर्म रहेगा, नहीं तो वो ये टाइल्स लगा हुआ है तो वो ठंडा रहता है। तो यही अपना आज का ये, और खाना वाना तो खा ही लिया हूँ, रास्ते में ही खा लिए थे। तो आज का ब्लॉग में यही तक रखते हैं। आशा करता हूँ ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि देख रहे हैं ना कितना मेहनत कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ ना मेहनत। अगर मेहनत कर रहा हूँ आप सभी को लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी भी ब्लॉग देखने के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय।